हेलो एवरीवन, माय साइंस ओपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग इस तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको अपने लिए वैल्यूएबल लगती है तो हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए। तो देखिए, आज की वीडियो में बात होने वाली है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके यूज़ क्या क्या हैं, LPG क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और नेचुरल गैस क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहली जो बात है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। मैंने पिछली वीडियो में रिफाइनिंग में बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं, तो अब यहाँ हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है वो है पेट्रोलियम गैस या रिफाइनरी गैस, मैंने उसमें बताया था आपको। इसको हम एज सच फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या इसको LPG के तौर पे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको कंप्रेस करके, इसका लिक्विफाई करके सिलेंडर में डाल के हम सिलेंडर में इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं और एज सच जो है फ्यूल का इस्तेमाल, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है पेट्रोल। पेट्रोल का इस्तेमाल होता है लाइट मोटर व्हीकल्स में, LMV, जैसे कि कार है, जैसे कि स्कूटर है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, इन सब में पेट्रोल एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पेट्रोल एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है इन ड्राई क्लीनिंग। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई दूसरी चीज़ डिजॉल्व हो सके, यानी जैसे वाटर इज ए सॉल्वेंट, पानी एक सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, जज्ब हो जाती हैं। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें कोई दूसरी चीज़ जो है वो डिजॉल्व हो सके। उसके बाद बात कर लेते हैं केरोसिन। अब केरोसिन जो है ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। अगर हमें स्टोव जलाना है या लैंप जलाना है घर में, तो उसमें भी केरोसिन एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। ये जो हमारे जेट प्लान्स हैं, इनमें भी जो प्योरीफाइड केरोसिन है वो एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होता है। उसके बाद डीजल की बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल्स जो हैं, जैसे बस है, ट्रक है, ट्रेन है, इसमें डीजल एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जो हमारे जनरेटर होते हैं या जो पंप होते हैं, वाटर पंप्स जो होते हैं हमारे खेतों में, उसमें भी डीजल ही एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये इंजन में इस्तेमाल होता है और मशीनों में इस्तेमाल होता है। घर में स्विंग मशीन होगी ना, तो उसके लिए ऑयल हम डालते हैं, या हमारा जो गाड़ी का इंजन है जब सर्विस कराते हैं उसको, तो उसमें ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। किस लिए डालते हैं? ताकि इंजन में या जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन ना हो और वो टूटे ना, इंजन अच्छे से काम करे, लुब्रिकेट रहे, उसमें फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पैराफिन वैक्स। अब वैक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैंडल्स बनाने में, वैक्स पेपर्स बनाने में, उसके बाद ऑइंटमेंट्स और वैसलीन, पेट्रोलियम जेली है ना, आती है वाइट छोटी सी डिब्बी आती है पेट्रोलियम जेली की, वो पैराफिन वैक्स से बनती है। बिटुमिन मैंने कोल के बारे में, जब कोल तार के बारे में बात की थी वहाँ मैंने बिटुमिन का बताया था कि बिटुमिन को सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब कोल तार की जगह पे। तो सबसे पहली चीज़ उसको सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक पैंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ्स, यानी कि पानी ना आए छत से, उसके लिए, उसकी वाटर प्रूफिंग के लिए भी हम बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात। अब बारी आ जाती है पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। LPG क्या है? ये पेट्रोलियम गैस है जो हाई प्रेशर में लिक्विफाइड फॉर्म में हमने स्टोर की है, यानी कि जब पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर की मदद से लिक्विड की शेप में स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मोस्ट कॉमन फ्यूल है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है फॉर कुकिंग। घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर आता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ब्यूटेन है, जिसका फार्मूला है C4H10, यानी कि इसमें कार्बन के 4 एटम हैं, हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। अब ये बहुत वाइडली यूज्ड फ्यूल है, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं एक एक करके हम यहाँ बात करते हैं। पहली चीज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, नीचे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इस चीज़ की, अब मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बस्चन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मतलब जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को कम्प्लीटली
जला देते हैं तो जितनी हीट निकलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। अब दूसरी इसकी खूबी क्या है, एलपीजी की दूसरी खासियत ये है कि ये आसानी से जलती है, इट बर्न्स इजली, ये आसानी से जलती है। तीसरी चीज, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग, जब हम इसको जलाते हैं तो धुआं नहीं छोड़ती है, ये कोई धुआं नहीं निकलता है, इसका मतलब एयर पोल्यूशन नहीं काज करती है। नेक्स्ट इज, इट डज नॉट लीव एनी सॉलिड रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, जब जल जाती है गैस तो कोई सॉलिड रेजिड्यू जो है वो नहीं बचता है, जैसे जब हम लकड़ी जलाते हैं तो, या जब हम गोबर केक जलाते हैं तो उससे ऐश, ये जो राख है वो बच जाती है सॉलिड वेस्ट के शेप में, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डज नॉट एमिट एनी हार्मफुल गैस वाइल बर्निंग, जब ये जलती है तो कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, और ये बहुत आसान है उसको स्टोर करना और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसीलिए एलपीजी एक वाइडली यूज्ड फ्यूल है। अब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं कि नेचुरल गैस के क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो मैं अगले सब टॉपिक की बात करता हूं, तो अगले सब टॉपिक की बात करें तो वो है नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये क्या चीज है, ये भी कोल एंड पेट्रोलियम की तरह एक फॉसिल फ्यूल है। फर्क ये है कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है, कोल जो है प्लांट की डेड वेजिटेशन से निकलता है, डेड वेजिटेशन के फॉसिल से बनता है, पेट्रोलियम डेड एनिमल्स के फॉसिल से बनता है, लेकिन ये दोनों के फॉसिल से बनता है। ये एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये एक ऐसी गैस है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, मेनली इसमें मीथेन रहता है। अगर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है हमारे घर के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और पावर जनरेशन के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे घर में ये एक नए लेबल के साथ, एक नए नाम के साथ, एलपीजी के नाम के साथ हमारे घर में इस्तेमाल होता है कुकिंग में। सीएनजी नाम के साथ ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है गाड़ियों के लिए, क्योंकि ये एक लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है। साथ ही साथ इसका फायदा ये भी है कि हम इसको पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली घरों या फैक्ट्रीज में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोदावरी कृष्णा डेल्टा में पाए जाते हैं। अब यूजर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, हमारे घरों और फैक्ट्रीज में एज ए फ्यूल सीएनजी इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज, हमारे व्हीकल्स में एज फ्यूल सीएनजी यूज होता है। उसके बाद ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में पावर जनरेशन के लिए। अगर हम और यूज की बात करें तो जो हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के बना हुआ है, तो जो इससे हाइड्रोजन निकलती है उसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, जैसे यूरिया है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों सीएनजी को प्रेफर किया जा सकता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, इसमें कोई सॉलिड रेजिड्यू नहीं निकलता है, इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता है, इससे कोई धुआं नहीं निकलता है, ये क्लीन फ्यूल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, हमारे घरों तक आसानी से इसको पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। तो ये हो गया, आज हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की, एलपीजी की बात की और सीएनजी की बात की। अब जो इसके बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हम अगली वीडियो में इस चीज़ को लेके जाएंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।